देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारे पास अकायद भी हैं, मसाइल भी हैं, फजाइल व दलाइल भी हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ अकायद है। अकीदा होगा तो अमल का सवाब होगा, अगर अकीदा नहीं है तो अमल का सवाब कोई नहीं है। अमाल की कबूलियत का इन्हिसार अकायद की दुरुस्तगी पर है। अगर अकायद दुरुस्त नहीं है, अमल कितने से कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। जैसे अब कोई कहे ना जी फलां मुल्क के गैर मुस्लिम सरबराह ने 2 महीने के रोज़े रखे हैं और आप और हमने नौज़ुल्हज्जा का 1 रोज़ा रखा है, तो हमारा 1 उससे बढ़ के है, उसकी वजह उसका अकीदा ठीक नहीं है, हमारे अकीदे के साथ अमल भी ठीक है। तो बुनियाद अकीदा है। पूरे कुरान करीम में देखें तो अल्लाह अमाल की बात बाद में करते हैं, ईमान व अकीदे की बात पहले करते हैं। इल्लल्लज़ीन आमनु वामिलुस्सालिहात, अकायद पहले हैं, ईमान का दूसरा नाम अकीदा है, क्योंकि ईमान उस मजबूत यकीन का नाम है जिसमें कोई शक व शुबा ना हो, और अकीदा भी उसे कहते हैं। अकीदा उकदा से निकला है, उकदा कहते हैं गिरा लगाना। ये गिरा का मतलब क्या है? इस गिरा का मतलब है अपने पास चीज़ संभाल लेना। इस गिरा का ये माना नहीं है कि हम जो शापर के ऊपर गांड बांध रहे हैं, ये मुराद नहीं है। पुराने ज़माने में लोग कहते थे ना कि ये मैंने मसला तुझे बताया, एक अपने को गांड मार जा, इसको अपने पास गिरा लगा के रख दो, मुराद है अपने सेफ लाक में रख दो, अपने पास मजबूत कर लो। तो अकायद जो हमारे दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल और इस्लाम के लिए मजबूत है, वो चीज़ है। तो इसे ईमान भी कहते हैं, अकीदा भी कहते हैं। तो अल्लाह ईमान की बात पहले फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीन आमनु, अकायद की बात के करके फिर आमाल की बात करते हैं, व अमिलुस्सालिहात। और ये बात याद रखें, अगर ईमान के साथ अमल साले होगा तो बंदे को अजर है, और अगर ईमान के साथ अमल साले न हुआ, बंदे की निजात तो होनी है लेकिन दुखूल अव्वली जन्नत का नहीं, क्योंकि अमाल साले बहुत बड़ी चीज़ है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मल कुरान करीम न उतारते और सिर्फ सूरतुल असर उतार देते, तो सूरतुल असर में वो मज़ामीन मौजूद हैं कि पूरे कुरान करीम की नियाबत के तौर पे इसमें मज़मून काफ़ी था। तो वो क्या चीज़ें हैं, आप उलमाए आप बखूबी जानते हैं। सूरतुल असर में बुनियादी तौर पर 4 चीज़ें, अल्लाह पाक ने ईमान अकीदे की बात की है, अमल साले की बात की है, दावत इलद्दीन की बात की है, और मुश्किलात पर सब्र की बात की है। वल असर, कसम ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, इसका तर्जमा एक तो अवामी है, अवामी तर्जमा नहीं, मैं उलमा में बैठ के उलमा को अर्ज़ करने के लिए एक तर्जमा करता हूँ, इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक वही इंसान कामयाब है। इल्लल्लज़ीन आमनु, जिसका अकीदा ठीक हो, वह अमिलुस्सालिहात, अमल सुन्नत के मुआफ़िक़ हो, क्योंकि अमल साले वो है जो सुन्नत के मुआफ़िक़ हो, वरना अमल साले नहीं है। वह अमिलुस्सालिहात, अमल सुन्नत के मुताबिक हो, व तवासव बिलहक, तवज्जो रखना, ठीक ईमान और ठीक अमल की दावत देता हो, व तवासव बिस्सबर, ईमान और अकायद पर दावत देते हुए कोई मुश्किल आए तो मुश्किल को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करता हो। तो अब हमें समझ आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मामलात इसमें क्या क्या फरमा दिए। अब पहली चीज़ ईमान थी, तो हम अकायद और ईमान में बाज़ औक़ात मसाइल और फ़ज़ाइल वाला मामला कर लेते हैं, ये बुनियादी गलती है। अकायद का मामला और है, मसाइल का मामला और है। मसाइल में गुंजाइश दी जा सकती है, मसाइल में कुछ लो और कुछ दो पे बाज़ जगह बात हो सकती है, लेकिन अकीदे के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। शरीयत इस्लामिया में कोई एक अकीदा ऐसा नहीं है जिस पर रसूलुल्लाह ने गैर से कंप्रोमाइज़ फरमाया हो। अकायद आपको नहीं, हाँ मसाइल में, इंतज़ामी मामलात में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मजबूरी में दूसरे की बात मान ली जाती है, बाकी मामलात या मौरूजी हालात को देखकर मुआहदा कर लिया जाता है,
अपने इंतज़ामी मामलात में कुछ उमूर को देख कर, जैसे सुलह हुदैबिया मौजूद है, यहूदियों के साथ मदीना मुनव्वरा के हिफाजत की सुलह मौजूद है, ये इस तरह के मामलात हैं। लेकिन अकायद पर कहीं सुलह की हो अल्लाह के रसूल ने, अकीदे पर कुछ ले और कुछ दे की बात की हो, ये पैगंबर इस्लाम की पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलता। रसूलुल्लाह नरम ज़रूर हैं, हुजूर पर जमाल का गलबा ज़रूर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीक और शफकत ज़रूर फरमाते हैं, लेकिन अकायद में नहीं। अकीदे में खुला ऐलान है अल्लाह के रसूल का, ला अअबुदु मा तअबुदु, खुला ऐलान, ये अकायद है। सूरतुल काफिरून में कुल या अय्युहल काफिरून से खिताब है। तबलीग करते वक्त किसी को काफिर कहोगे वो बात सुनेगा? तरगीब देते वक्त किसी को बेईमान कहोगे वो बात सुनेगा? तो ये तरगीब और तबलीग के लिए आयत नहीं थी, बल्कि ये आयत अपने अकीदे का ऐलान हक था और अपने अकायद पर मजबूती थी। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, खुला खुला ऐलान है। तो ये अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो जितने अकायद हैं, मसाइल हैं, इस पर मामलात इसी तरह ही हम चलाएंगे। تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً।